रायपुर से खबर है जहां 24 अप्रैल से शासकीय और निजी स्कूल में ग्रीष्म अवकाश शुरू होने वाले हैं। तो भीषण गर्मी के चलते फैसला लिया गया है, राज्य के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेंगे। तो जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और उसी के मद्देनजर ग्रीष्म अवकाश बच्चों के शुरू होने जा रहे हैं, 24 अप्रैल से शासकीय और निजी स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश शुरू हो जाएंगे। तो भीषण गर्मी के चलते ये फैसला लिया गया है, राज्य के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आकांक्षा, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, अब उसके मद्देनजर ग्रीष्म अवकाश शुरू होने जा रहे हैं बच्चों के, एक बड़ी राहत बच्चों को? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो जिस प्रकार से पारा मौसम का बढ़ा हुआ है और लगभग 44 से 45 डिग्री तक जो पारा है वो पहुंच रहा है, इसको देखते हुए और गर्मी के प्रकोप के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने एक अहम निर्णय लिया गया है। जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से भी और शिक्षा विभाग की ओर से भी एक फैसला लिया गया था कि शिक्षा दर में, शिक्षा स्तर में जिस प्रकार की कमी आई है उसे देखते हुए आगामी 15 मई तक से कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में गर्मी का पारा बढ़ा हुआ है, मौसम जिस प्रकार से तूफान पर है, इसे देखते हुए अपने एक निर्णय लिया गया है आगामी 24 अप्रैल से छुट्टियां जो है घोषित कर दी गई है। और इसके अलावा ये छुट्टियां आगामी जून तक से संचालित होगी, यानी कि जो कक्षाएं वर्तमान में लगाई जानी थी वो कक्षाएं अब नहीं लगाई जाएगी, यानी कि सीधे तौर पर हम देखें ग्रीष्मकालीन अवकाश के रूप में 24 अप्रैल से 14 जून तक से ग्रीष्मकालीन अवकाश बच्चों को दिया गया है। सीधे तौर पर देखा जाए तो बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से एक पहल और एक बड़ी रणनीति यहाँ पे बनाई गई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका आकांक्षा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर से खबर बता रहे हैं जहां भीषण गर्मी के चलते शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, 24 अप्रैल से शासकीय और निजी स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार हम देख रहे हैं उसी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला और एक बड़ी पहल कह सकते हैं शिक्षा विभाग की ओर से, 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्म अवकाश बच्चों के रहेंगे।